हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग फोर्थ पार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, पेज नंबर 14, हिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट इट, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द सिचुएशन इन द फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। ऑल्दो द लुई 16 हैज साइंड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ही एंटर्ड इनटू सम सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया, ruler of the other neighboring countries, too worried by the development in the France and made plans to send troops to put down the event that had been taking place there since the summer 1789. Before this could happen, the National Assembly voted April in the 1792 to declare the war against the Prussia and the Austria. Thousands of the volunteers thronged from the province to join the army. They saw that the war of the people against the king and the aristocracies all over the Europe. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, देखिए जो फ्रांस के जो हालत थे, ठीक है, वहाँ पे कुछ सालों से क्या है, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था लोगों को, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी वहाँ के अंदर, और राजा भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि इन्होंने, राजा ने सोच लिया था कि इन्होंने नेशनल असेंबली बना ली, और नेशनल असेंबली बनाने के बाद इन्होंने जो है क्या कहते हैं, एक मीटिंग हुई, मीटिंग के दौरान इन्होंने राजा की बात नहीं मानी, तो राजा भी कहीं ना कहीं परेशान हो गया था, कि समझ गया था कि इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अब राजा अकेला पड़ गया था, तो राजा ने जो है आसपास के जो राजा थे, आसपास के जो कंट्रीज़ के जो राजा थे, उन लोगों से मदद मांगना शुरू किया। तो उन्होंने एक सीक्रेट नेगोशिएशन किया, सीक्रेट नेगोशिएशन का मतलब है एक सौदा किया उनके साथ कि वो हमारी मदद करें, ठीक है। और आसपास के राजा लोग भी ज़्यादा तेज़ी से उस राजा की मदद इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो भी, उनको भी पता था कि अगर फ्रांस के अंदर से मोनार्की चली गई तो हो सकता है उनकी कंट्री के अंदर से भी मोनार्की चली जाए, ठीक है ना। तो ये एक तरह से यूनिटी में रहना चाहते थे, ठीक है, और ये चाहते थे कि इनकी जो मोनार्की है, जो तानाशाही है, या फिर जो भी राज शासन है, ये कभी भी ख़त्म ना हो, तो इसलिए उन्होंने फ्रांस की मदद करना शुरू किया, ठीक है। जैसे उन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया, या फिर ये दे अंडरगो दिस कमिटमेंट, ठीक है, देन द फ्रांस पीपल गेट रियलाइज दैट दे हैव गॉन इन टू द सीक्रेट नेगोशिएशन। तो फ्रांस के लोगों को रियलाइज़ हुआ, वेरी सून दे रियलाइज दिस, ठीक है, एंड दे अनाउंस्ड अ वॉर अगेंस्ट द प्रूशिया। तो उन्होंने तुरंत ही प्रूशिया के अगेंस्ट अपना वॉर स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कह दिया कि प्रूशिया को हमारे कंट्री के अंदर इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ठीक है ना। और उन्होंने जो है रिवॉल्ट कर दिया फाइट करने के लिए, कि हम लोग जंग करेंगे प्रूशिया के साथ। तो लोगों को भर्ती करा गया, ठीक है, आर्मी के अंदर नए नए पेट्रियाटिक सॉन्ग बनाए गए, ठीक है, नेशनल एंथम बनाया गया फ्रांस का, ठीक है, और उसको ले जाके फिर लोगों को मोटिवेट किया गया, जैसे कि हमारे यहाँ, जैसे कि भारत माता, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से अगर बोलते हैं, या फिर नेशनल फ्लैग लेके चलते हैं, या फिर नेशनल सॉन्ग गाते हैं, तो लोग यूनाइट होते हैं, ठीक है, वंदे मातरम। तो इसी प्रकार से वहाँ का भी एक मर्सिलेस एक सॉन्ग था, ठीक है ना, फॉर्म। तो इस प्रकार का ये सब चीज़ें वहाँ पर किया जाता था, इस चीज़ को वहाँ पे, तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा वो आता था, क्या बोलते हैं उसको, यूनिटी आती थी, ठीक है। और मर्सिलेस फिर बाद में जाके वहाँ का नेशनल एंथम बन गया था फ्रांस का। तो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। द रेवोल्यूशन वॉज ब्रॉट लॉसेस एंड द इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल, वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग इन फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग द लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर द फैमिली। लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैज टू बी कैरिड फर्दर, एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1791 गेव द पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिजर्व सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब क्या था, रेवोल्यूशन जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, वो वॉर में चले गए थे ऑलमोस्ट, है ना, सारे के सारे जो मेन्स थे वो वॉर में चले गए थे, और जो वुमेंस थी, महिलाएं जो थी, वो घर पे रुकी हुई थी, ठीक है। अब पहले क्या था कि जो जितने भी मेंस होते थे, वो लोग घर के लिए खाना वाना या फिर पैसों का लाइवलीहुड वही चलाते थे, घर वही चलाते थे, ठीक है। अब मर्दों के चले जाने के बाद, यानी कि मेंस के चले जाने के बाद, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वुमेंस के ऊपर, औरतों के ऊपर आ गई थी। अब औरतों को अपना घर भी देखना हुआ करता था, ठीक है, और प्लस औरतों को ये भी देखना हुआ करता था कि क्या कहते हैं, खाना कहाँ से आएगा, पैसे की अर्निंग कहाँ से होगी, तो वो लोग बाहर जॉब करने के लिए भी निकल पड़ी। मर्दों को ये भी लगता था, या फिर लोगों को ये भी लगता था यहाँ पर, कि वॉर जो है इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। उनको ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि उस टाइम तक जो है वोट करने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अमीर लोगों को हुआ करता था, और गरीब लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। तो उनको ऐसा लगता था कि ये वॉर अभी और चलेगी, है ना, क्योंकि अधिकार लेना है, अभी हक की लड़ाई करनी है, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी।
पॉलिटिकल क्लब्स बिकम अ इम्पॉर्टेंट रैली पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द प्लान्स ऑन देयर एक्शन. द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज दैट द जैकोबिन क्लब विच वॉज द नेम आफ्टर द कॉन्वेंट ऑफ द सेंट जैकोबिन इन द पैरिस. वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने लगा, जो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, अब जो लोग बच गए, ठीक है ना, अब नेशनल असेंबली का गठन हो चुका था, लोग वॉर पे जा चुके थे, फ्रांस की डेस्टिनी, फ्रांस का जो फ्यूचर था यानी फ्रांस की जो किस्मत थी वो बदलने वाली थी, ठीक है ना, तो लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना, बहुत बड़ा दौर चल रहा था एक चेंज का, है ना, वहाँ पर तो लोग डिस्कस करते थे, छोटे छोटे ग्रुप बना लेते थे, एसोसिएशन बना लेते थे, एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिकल ग्रुप बना लेते थे, ठीक है ना, पॉलिटिकल क्लब बना लेते थे जहाँ पे लोग बैठ के बातें किया करते थे, ठीक है, आगे क्या करना है, ठीक है, या फिर बात किया करते थे कि हमारे देश में क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना, तो ये सब जो टॉक्स किया करते थे उन सब में एक सबसे पॉपुलर जो क्लब था वो था जैकोबिन क्लब, ठीक है, जिसका नाम जो है सेंट जैकोब के नाम पर रखा गया था जो कि पेरिस में है. तो अब बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो पॉलिटिकल क्लब्स होते थे इसके अंदर क्या होता था, तो वहाँ पे डिस्कशन ही हुआ करता था. डिस्कशन का मतलब है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होने थे वो वहाँ पर हुआ करते थे. तो अब थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं लास्ट पैराग्राफ को. मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्स मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. दे इंक्लूड द स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिसन, शूज मेकर, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर एक्सेट्रा. द लीडर वॉज द मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. एज अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग अ लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वर्न बाय द डॉक वर्कर. दिस वॉज सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्पेशली नोबल्स एंड द नी ब्रीचेस. ठीक है, तो देखिए जो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था, ठीक है ना, उसका जो नाम था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. ठीक है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर उसका लीडर था. लीडर का मतलब होता है यहाँ पर कि जो उस क्लब का हेड था, यानी कि लोग जिसकी बात मानते थे, सुनते थे, ठीक है, उस प्रकार से. बाद में वो ऑटोमेटिकली पावर में आता चला गया था. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैकोबिन क्लब के अंदर जितने भी लोग थे वो लोअर तबके से आते थे, बहुत गरीब तबके से लोग आते थे, यानी कि मिडिल क्लास के लोग भी थे इसमें. ठीक है, और ज़्यादातर जो लोग थे, ज़्यादातर कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, कि सिर्फ नहीं, सिर्फ का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे नोबल्स नहीं हुआ करते थे या फिर ये नहीं, है ना, तो ज़्यादातर नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत लोग वहाँ पर हुआ करते थे. लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो आर्टिसन, शूज़ मेकर हो गया, ठीक है, गरीब लोग तब देख ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, डेली वेजेस पे काम करने वाले ये सब लोग वहाँ पे हुआ करते थे. अ लार्ज ग्रुप ऑफ द अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि जैकोबिन क्लब के लोगों ने जो है अपने लिए जो है ड्रेस कोड डिसाइड कर लिया था. ड्रेस कोड मतलब कि इसलिए डिसाइड किया था ताकि उनको लगना था कि वो अलग है सोसाइटी से, सोसाइटी की जो फैशनेबल सोसाइटी है, जो सोसाइटी उनका शोषण करती है, उन लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है. ठीक है, और नोबल से, स्पेशली नोबल से वो लोग अलग है जो कि महंगे महंगे कपड़े पहनते थे. ठीक है ना, और उनकी जो कपड़े जो होते थे वो पैंट हुआ करती थी. ठीक है, उस पर जो है लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स हुआ करती थी वाइट कलर की. ठीक है, और रेड कलर का वो पैंट, रेड कलर जैसी वो हुआ करती थी. वुमेंस का भी जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो, पेज नंबर 14 पर अगर पिक्चर देखो तो इस प्रकार की ड्रेस उनकी हुआ करती थी, ताकि लोगों को जो है वो किया जाए, डिफ्रेंशिएट किया जा सके और दूसरी सोसाइटी के लोगों से. थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं. थोड़ा सा इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेम, नेक्स्ट पेज पर आ गए हम लोग, पेज नंबर 15 पर. इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर वेल्डेड बाय द वियरर ऑफ द नी ब्रीचेस. द जैकोबिन केम टू बी नोन एज द सेंट क्लूटोस, लिटरली मीनिंग दोज हु विदाउट नी ब्रीचेस. सेंट क्लूटोस मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी, वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो. ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, जैकोबिन क्लब्स के जो लोग थे उन लोगों का नाम सेंट क्लूटोस पड़ गया. सेंट क्लूटोस इसलिए पड़ गया क्योंकि वो लोग जो है वो जो भी ड्रेस पहनते थे उसके नाम से, मतलब है ना, जो भी नाम, जो भी ड्रेस वो लोग पहनते थे उसके वजह से उनका नाम सेंट क्लूटोस पड़ गया. तो सेंट क्लूटोस, अब ये लोग जो लोग थे वो रेड कलर का कैप भी पहनते थे. ठीक है, तो रेड कलर का कैप का मतलब था आज़ादी. ठीक है ना, जो आज़ादी को दर्शाता था, आज़ादी को दर्शाता था. ठीक है, तो पेज नंबर 15 पे नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ लेते हैं. तो सेकंड पैराग्राफ की तरफ पढ़ लेते हैं इसको. तो पेज नंबर 15 पे सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. इन द समर 1792, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा.
द जैकोबिन प्लान वॉज इंसर्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द पर्शियन हु आर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाइड एंड द हाई प्राइसेस ऑफ द फूड ऑन द अगस्त ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 10th अगस्त दे स्टॉर्म द पैरिस ऑफ द टुलरीज एंड मैसेकेड द किंग गार्ड्स एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज द हॉस्टेज फॉर द सेवरल आवर्स। इसमें क्या हुआ 1792 को, ठीक है, जो जैकोबिन क्लब के जो लोग थे वो बहुत सारे इकट्ठे हो गए एक साथ, ठीक है, और उन्होंने देखा, देखिए लोगों के अंदर पहले से गुस्सा इसलिए था क्योंकि देखिए टैक्स बढ़ रहा था बहुत तेज़ी से, ठीक है, और खाने का प्राइस बढ़ रहा था और खाना भी अवेलेबल नहीं था अच्छे से, ठीक है, तो वो राजा के खिलाफ पहले से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो उन्होंने क्या किया, राजा के घर पे अटैक कर दिया, ठीक है, राजा को बहुत देर तक बंदी बना लिया, ठीक है, और राजा को फिर बाद में एक असेंबली बनाई गई, उस असेंबली के अंडर में वोट किया गया, उस वोट के अंडर में ये बताया गया, ठीक है, कि जो राजा की जो फैमिली है उसको इम्प्रिजन कर दिया जाए, यानी कि जेल में बंद करके रख दिया जाए। तो अब यहाँ पे अब क्या था इलेक्शन, अब क्या था कि यहाँ पे अब इलेक्शन हुआ करेंगे, है ना, अब जो है राजा को कैद कर दिया गया, मोनार्की वहाँ पे ख़त्म कर दी गई, अब एक नया राजा आने वाला था, यानी कि एक नई पार्टी आने वाली थी, नया राजा आने वाला था, या फिर कह सकते हैं एक नया क्लब आने वाला था, ठीक है ना, जो कि अब कंट्रोल करता, और अब इस क्लब के अंडर में लोगों को वोट करने का अधिकार दिया गया, जो भी यानी कि अगर आप 21 साल से ऊपर के हैं, ठीक है, तो आपको वोट करने का अधिकार मिलेगा, चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो चाहे कहीं से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आप फ्रांस के सिटीजन तो आप 21 साल के हैं और आप अगर 21 साल के हैं आपको वोट करने का अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। सो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, द न्यू इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेक्शन, जो नई असेंबली थी उसको कन्वेक्शन बोला जाता था, ठीक है, ऑन 21 सितंबर 1972 इट वॉज एबोलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर द फ्रांस अ रिपब्लिक। एज यू नो द रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पेज पर हम टर्न हो चुके हैं, ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ इस प्रकार से कि अब वहाँ पे मोनार्की जा चुकी थी, ठीक है, अब वहाँ पे उन्होंने और जो जो लोग जिन्होंने आज़ादी लेकर आए थे यानी कि जैकोबिन क्लब के जो लोग थे, है ना, उन्होंने राजा को मार दिया था, सॉरी राजा को इम्प्रिजन मतलब कैद कर दिया था, ठीक है, अब उसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है, उन्होंने बोला कि अब जो है अब हमारा कंट्रोल होगा यहाँ पर, ठीक है, अब मोनार्की जा चुकी है, अब लोगों को अधिकार मिलेगा, और लोग भी बहुत खुश थे उस टाइम पे जब उन्होंने देखा कि जो है जैकोबिन क्लब का राज है और जैकोबिन में ज़्यादातर लोग पीजेंट्स थे, ज़्यादातर गरीब लोग थे, तो अब ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि कोई अच्छी चीज़ होने वाली है आगे, और जो है उन्होंने जो है अब फ्रांस को जो है रिपब्लिक घोषित कर दी आज़ाद, यानी कि अब फ्रांस किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, फ्रांस जो है बिल्कुल आज़ाद है और किसी राजा महाराजा के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, और कोई भी आगे ऐसा होगा भी नहीं। सो लुई 16, अब लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं पेज नंबर 16 के उस टॉपिक के अंडर में, हाँ, तो लुई 16 वॉज सेंटेंस टू द डेथ बाय द कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन, ठीक है, अब उसको जो है जेल उसको फांसी दे दी गई, ठीक है, उसको मार दिया गया, और राजा को जो राजा को कैद करा गया था, ठीक है, उसको मार दिया गया कोर्ट के द्वारा, उसको बोला गया कि उसने बहुत सारे ट्रेजन के अंडर में, ट्रेजन क्या होता है कि एक कंट्री जहां किसी कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं ना, इसके हिसाब उसके हिसाब से ऑन 21 जनवरी 1793 को उसको पब्लिक के सामने, ठीक है, उसको मार दिया गया, ठीक है, द क्वीन मैरी एंटोनी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, ठीक है, तो और क्वीन मैरी एंटोनी को बाद को भी बाद में इसी प्रकार से मार दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है, ठीक है, टॉपिक नंबर 3। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक नंबर 3.1, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस, है ना, तो अगर देखिए अगर आप लोग इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस चीज़ को अगर आपको अपनी बुक लेके अपने साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल पैराग्राफ टू पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हिस्ट्री में कोई भी दिक्कत ना रहे आप लोगों को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।